उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई है। शव पुलिस चौकी से 50 मीटर दूर सड़क पर पड़ा मिला है। शव वाहन से कुचले जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि बेटी की गैंगरेप के बाद गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई है। लड़की रात 12 बजे से लापता थी। लड़की 9वीं की छात्रा थी। परिजनों का ये भी कहना है कि पुलिस ने बिना बताए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी होने पर ग्रामीणों ने हाईवे जाम लगा दिया। करीब 7 घंटे के बाद जाम की स्थिति बन गई। परिजनों ने 4 अज्ञात लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज कराया है। उधर पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। भेजा गया है, परिजनों ने जाम लगाया और यह उनका कहना है कि हत्या है। अब तक प्राथमिक जांच में आपने क्या पाया है, किस तरह की कार्यवाही और क्या आश्वासन दिया? आज सुबह इसमें परियर में एक्सीडेंट की सूचना पहले पुलिस को प्राप्त हुई थी, बाद में इसमें परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगा करके तहरीर दिया गया है। तहरीर पंजीकृत करके और इसमें FIR दर्ज किया जा रहा है। पोस्टमार्टम करा करके इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी और जो भी इसमें अभियुक्त शामिल होंगे इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परियर चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी आरोप लगाए गए, उसके बारे में हम अलग से विभागीय अपनी जांच करेंगे।